सिंघम फिल्म का हर कोई दीवाना है। अजय देवगन का जानदार शानदार अभिनय आज तक सभी को याद है और एक्शन सीन्स का तो कहना ही क्या। अजय देवगन, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार के बाद अब रोहित शेट्टी की अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन में कई बड़े सितारे जुड़ रहे हैं। दीपिका पादुकोण के बाद अब टाइगर श्रॉफ भी फिल्म में पुलिस वाले का दमदार रोल निभाने वाले हैं। इस अनाउंसमेंट के साथ ही रोहित शेट्टी ने टाइगर का पहला लुक जारी कर दिया है। कॉप यूनिवर्स के फिल्म सिंघम अगेन में अजय देवगन और करीना कपूर लीड रोल में नजर आएंगे, जिनके साथ फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में शुरू हो चुकी है। फिल्म के डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट से टाइगर श्रॉफ की 3 तस्वीरें शेयर की हैं। साथ ही उन्होंने लिखा कि मिलिए स्पेशल टास्क फोर्स ऑफिसर ACP सत्या से, एक सच की तरह अमर, तुम्हारा हमारी टीम में स्वागत है टाइगर। सामने आई है पहली तस्वीर में टाइगर श्रॉफ पुलिस का बेल्ट थामे नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तस्वीर में वो पुलिस की सैंडो में गन थामे दिखते हैं। तीसरी तस्वीर में शर्टलेस पुलिस वाले बनकर वो बेहद इंटेंस दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले रोहित शेट्टी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से दीपिका पादुकोण का फर्स्ट लुक रिवील किया था। फर्स्ट लुक में दीपिका पुलिस की वर्दी में बेहद खतरनाक लग रही थी। जहां एक तस्वीर में वे हाथ में गन पकड़े मुस्कुरा रही थी, वहीं दूसरी तस्वीर में वे गुंडों को मारती दिख रही थी। फिल्म में दीपिका पुलिस ऑफिसर शक्ति शेट्टी का रोल प्ले करेंगे। रोहित ने दीपिका के इस किरदार को इंट्रोड्यूस करते हुए लिखा था कि नारी सीता का भी रूप है और दुर्गा का भी। मिलिए हमारे कॉप यूनिवर्स की सबसे क्रूड और हिंसक ऑफिसर से, शक्ति शेट्टी, मेरी लेडी सिंघम दीपिका पादुकोण से। रोहित के इस पोस्ट पर दीपिका के हस्बैंड रणवीर सिंह ने भी कमेंट किया है। रणवीर ने लिखा, आली रे आली। बता दें कि रोहित इससे पहले चेन्नई एक्सप्रेस में भी दीपिका पादुकोण के साथ काम कर चुके हैं। सिंघम अगेन की तो इसकी शूटिंग हैदराबाद में चल रही है। रोहित पहले इस फिल्म का क्लाइमैक्स सीन शूट कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रोहित ने फिल्म के क्लाइमैक्स सीक्वेंस पर भारी भरकम अमाउंट खर्च किया है। वो 25 करोड़ रुपए की लागत से इसके क्लाइमैक्स को लार्ज स्केल पर हैदराबाद के रामोजे फिल्म सिटी में शूट कर रहे हैं। सिंघम फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म सिंघम अगेन में रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स के तीनों हीरो अजय, अक्षय और रणवीर एक साथ नजर आएंगे। उनके कॉप यूनिवर्स में फिल्म सिंघम, सिंघम रिटर्न, सूर्यवंशी और सिम्बा शामिल है। इस फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म सिंघम थी, जिसे 2011 में रिलीज किया गया था। इसमें अजय देवगन ने पुलिस ऑफिसर बाजीराव सिंघम का रोल प्ले किया था। इसकी सीक्वल फिल्म सिंघम रिटर्न 2014 में रिलीज हुई थी, जिसकी तीसरी फिल्म 2024 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को रिलीज हो सकती है। इस कॉप यूनिवर्स की दूसरी फ्रेंचाइजी सिम्बा थी, जिसमें रणवीर सिंह ने इंस्पेक्टर संग्राम भालेराव का रोल प्ले किया था। वहीं 2021 में रिलीज हुई फिल्म सूर्यवंशी में अक्षय कुमार ने DCP वीर सूर्यवंशी का रोल निभाया था। सिंघम अगेन से पहले सूर्यवंशी में भी रोहित के कॉप यूनिवर्स के तीनों ऑफिसर साथ नजर आ चुके हैं। 7 अक्टूबर को करीना कपूर ने सोशल मीडिया के जरिए सिंघम अगेन की शूटिंग शुरू करने की अनाउंसमेंट की थी। उन्होंने एक एक्शन सीन की झलक दिखाई थी, जिसमें एक कार हवा में उड़ती दिख रही है। तस्वीर के साथ करीना ने लिखा, क्या मुझे बताने की जरूरत है कि मैं किसके लिए शूट कर रही हूँ? ये मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं, ये मेरी और उनके साथ चौथी फिल्म है, लेकिन जाहिर है आखिरी नहीं है। रेडी स्टडी गो रोहित शेट्टी। करीना की पोस्ट में रणवीर सिंह ने कमेंट कर लिखा, ये मेरी भी उनके साथ चौथी फिल्म है और आपके साथ पहली।